उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। आज दुनिया भर में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा मुसीबत बना हुआ है। ई वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में ई वेस्ट को रिसाइकल और ट्रीटमेंट के लिए कई संस्थाएं एवं कंपनियां कार्य कर रही है, जिसमें रुड़की में संचालित एटेरो रिसाइकलिंग भी शामिल है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 के पहली मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने रुड़की में संचालित एटेरो रिसाइकलिंग का जिक्र भी किया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। आज ऐसे स्टार्टअप की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेटिव काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट हासिल किए हैं, जिसने खुद की ई वेस्ट रिसाइकलिंग तकनीक तैयार कर ढेर सारे पुरस्कार अर्जित कर काफी नाम कमाया है। पीएम मोदी ने कहा कि ई कचरा को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और पुनः उपयोग की परिपत्र अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इको रिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं।
आपको बता दें कि रुड़की में एटेरो की एंड टू एंड ईवेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित है। एटेरो बेंगलुरु आधारित ईवेस्ट रिसाइकलर और मेंटल एक्सटेंशन यानी धातु निष्कर्षण की स्टार्टअप कंपनी है जो ईवेस्ट रिसाइकलिंग पर कार्य कर रही है। रुड़की में स्थापित एटेरो में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। इसके अलावा कचरे से धातुओं या पुनः प्रयोज्य संसाधनों को निकाला जाता है, साथ ही ईवेस्ट के ट्रीटमेंट में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, विभिन्न कॉमर्शियल संस्थाओं से कचरा भी एकत्रित कर उसे रिसाइकिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।